व्हाट्स अप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ओके। भैया आज की वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बट मेरी नज़र में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो अगर आप क्रिप्टो के जर्नी के अंदर नए नए निब्बे हैं, अभी अभी आपने अपना क्रिप्टो का जर्नी स्टार्ट किया है या अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया ये वीडियो ही आपके लिए काफी होगी और आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आज की वीडियो के अंदर भैया आपको मैं एक ऐसे अलादीन के चिराग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकलती रहेगी। होता यह है कि भैया जितने लोग नए नए क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, क्या जाके सर्च करें, कहां से पता चलनी चाहिए, कौन सी प्लेलिस्ट जाके देखें, इतनी सारी वीडियोस हैं, कौन सी वीडियो को पहले देखें, तो एक स्ट्रक्चर बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में अगर आप नए क्रिप्टो वाले हैं, अगर आप पुराने क्रिप्टो वाले हैं, आपको प्रॉबेबली ये सारी चीजें पता होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मगर अगर आप नया नया सीख रहे हैं, अभी क्रिप्टो के अंदर आने का सोच रहे हैं, या अगर आपने कदम रख दिया मगर आपकी पैक हुई भी है कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस अब वीडियो को आराम से देख लेना। भैया बाइनेंस के बारे में तो आप सबको पता होगा, बेहतरीन किस्म का एक्सचेंज है। अगर आपको बाइनेंस के बारे में नहीं पता या आपने अभी तक बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो यहाँ पे कहीं पे आपको मेरी एक वीडियो नजर आ रही होगी जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये बात बताई है कि किस तरीके से बाइनेंस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से अपने आपको वेरीफाई कर सकते हैं और फिर किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर अपने बैंक में से पैसे डाल के क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो बाइनेंस पर अगर आपने अकाउंट अपना नहीं बनाया है तो ये वीडियो जाके देख लें, अकाउंट बना लें, नीचे एक लिंक दिया है उस पर जाकर अकाउंट बना लें, उसके बाद ये वीडियो शुरू होगी। ठीक है भाई, अकाउंट बन गया। अब भैया आप आएंगे अपनी बाइनेंस की ऐप के अंदर, फोन पर आप आए, बाइनेंस खोलें, उसके बाद होम पेज पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद मोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको जाना है एक और चीज के अंदर जिसका नाम है बाइनेंस एकेडमी। अब भैया देखो, ये एक ऐसी छुपी हुई चीज है, एक डायमंड है जिसके बारे में बहुत सारे क्रिप्टो इस्तेमाल करने वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोग अपनी एप्स का इस्तेमाल करते नहीं है, पूरी ऐप को एक्सप्लोर करते नहीं। और बाइनेंस एकेडमी के अंदर भैया हर उस चीज का जवाब है जिसका आपको इंतजार है। ठीक है, जितने भी नए लोग क्रिप्टो के अंदर आना चाहते हैं या क्रिप्टो के अंदर कदम रख रहे हैं, उनकी जितनी कंफ्यूजन हैं कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन क्या है, मेटामास्क क्या होता है, ये वाला वॉलेट क्या होता है, एपीवाईस क्या होते हैं, ट्रेडिंग के क्या स्टाइल होते हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, चार्ट्स को कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें भैया जब आप सोचते हैं और ये चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं तो आपकी फटकर हाथ में आ जाती है और आप बोलते हैं भैया मैं कर ही नहीं सकता, हमसे नहीं हो पाएगा, भाई हमारे बस की बात ही नहीं। तो बाइनेंस एकेडमी के अंदर भैया ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये जाहिर है जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, नए लोगों के लिए ये एक बड़ी बेहतरीन जगह है जहां पे एक स्ट्रक्चर के अंदर आर्टिकल्स के फॉर्म के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, बेसिक सवालों से लेके एडवांस क्वेरीज तक सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग क्या है भाई, इन्वेस्टिंग क्या है, चलो भैया इसके अंदर आ गई। फंडामेंटल एनालिसिस क्रिप्टो का क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसको समझते कैसे, इसके लिए $300-$400 के कोर्सेज होते हैं, बाइनेंस वालों ने अपनी अकेडमी के अंदर चुपचाप आपको सिखा दिया, भैया आके सीख लें। फिर भैया जब क्रिप्टो में लोग आते हैं तो बोलते हैं भाई स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, चलो भैया ये भी बता दिया इन्होंने। जब भैया स्पॉट ट्रेडिंग समझ आ जाती है, फ्यूचर ट्रेडिंग समझ आ जाती है, तो डिफरेंट ट्रेडिंग के स्टाइल्स होते हैं, स्कैल्पिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, भैया अब ये क्या है, इसको कैसे समझें, चलो भाई ये भी बता दिया जवान के बच्चों ने। फिर भैया जब नया बंदा एक चार्ट को देखता है तो सिर्फ लाइनें लकीरें नुक्ते नजर आ रहे होते हैं और उसका दिमाग एकदम जो है ना भक से उड़ जाता है कि भाई ये क्या है, इसको समझूं कैसे, ये तो अजीब एलियन लैंग्वेज लगी हुई है। सारे चार्ट के ऊपर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी लाइनें होती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, वो भी इन्होंने बता दिया। एक स्ट्रक्चर के अंदर सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, जो आपको समझना है इसके ऊपर आप टाइम लगाएं आपको समझ आ जाएगी। फिर भैया चलो ट्रेडिंग की बेसिक्स आपको समझ आ गई, आप आना चाहते हैं डीफाई के अंदर, आप आना चाहते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, आप आना चाहते हैं मेरी पर्सनल फील्ड एनएफटीज के अंदर, मेटावर्स के अंदर, उसके ऊपर भी भाई इतना मवाद मौजूद है इनकी लाइब्रेरी के अंदर कि आप पढ़ते जाओगे मवाद खत्म नहीं होगा। जब मैं पिछले साल एनएफटीज बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, आपने मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मेरी एजेंसीज ने बहुत सारे दूसरे लोगों के एनएफटी प्रोजेक्ट्स बनाए, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि रमेश भाई हमें अपनी एनएफटी बनानी है, हमें पता नहीं कि हम कैसे बनाए, कहां से स्टार्ट करते हैं। भाई इन जवान के बच्चों के पास पूरा एक आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपना एनएफटी प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है। तो जितने भी लोग एनएफटी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो ये पढ़ लें, उनके लिए आसानी हो जाएगी। फिर भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत एकदम भूत चढ़ा हुआ है सबको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये AI, ये तो AI का इंपैक्ट क्रिप्टो वर्ल्ड पे क्या है, NFTs के ऊपर क्या है, DeFi के अंदर क्या है, ट्रेडिंग के अंदर क्या है, ये सारी भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो भाई अगर आप बिल्कुल नए नवेले नल्ले हैं क्रिप्टो के और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या आप इसमें एंटर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया बगैर किसी को पैसे दिए हुए, बगैर किसी ग्रुप में जाए हुए, बगैर किसी के ऊपर एक रुपया भी खर्च किए हुए, क्योंकि ज़ाहिर है अभी पैसे तो है नहीं ना, ठीक है कंगाल तो चल रहे हो, सीखना है तभी तो पैसे बनाओगे, सीखना क्रिप्टो इसीलिए तो है कि आपको पैसे बनाने हैं मगर शुरू करने के पैसे नहीं है, तो भैया आप बाइनेंस एकेडमी के ऊपर जाएं, 2-3 महीने अगर आपको लगाने हैं तो आप फुर्सत से लगाएं, सारी चीजें पढ़ें, फिर अगर आप चाहते हैं कि भैया उसके ऊपर और रिसर्च करें तो उन टॉपिक्स के ऊपर जाके आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की वीडियो सर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो सर्च कर सकते हैं, और इस तरह भैया एक करिकुलम, एक कोर्स के हिसाब से, एक सिलेबस के हिसाब से, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से
आपकी क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल जो है ना, वो बड़े पक्के हो जाएंगे। अब मैं तो भैया बल्कि ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी काहली और सुस्ती करेंगे, तो इन्हीं की अकेडमी से रोज एक एक टॉपिक उठाऊं और उसके ऊपर वीडियो बना दूं। अगर ये चाहते हो और इतनी आसानी चाहते हो कि भाई रामेश भाई आपके लिए ये भी करके दे दें और वीडियो बना दें, तो कॉमेंट में आके लिख दो, ठोक दो कॉमेंट, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, हम ये भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि भाई देखो, इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अवाम को इतना अमीर कर देना है कि शारे फैसल के ऊपर पुल सब सात गाड़ियां शियाओ करते हुए। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए भैया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपकी बहुत हेल्प हुई हो। दिस इज मी रामेश सफर साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।